अभी हम आपको लेकर चलते हैं कराची, जहां पर कराची का इलाका इब्राहिम हैदरी है, जो कि माहेगीरों की एक कदीम बस्ती है, जहां पर कश्ती साजी के बहुत से कारखाने हैं और छोटी बड़ी हर किस्म की कश्तियां बनाई जाती हैं और अक्सर कश्तियों को बनाने में 3-4 महीने भी लग जाते हैं। इसी हवाले से एक खसूसी पैकेज है कराची से, आइए चलिए देखते हैं। Let's have a look. बहीरा अरब के किनारे वाके शहर कराची का साहली इलाका तकरीबन 90 किलोमीटर तक फैला है। यही वजह है कि इस शहर में माहीगीरों की अनगिनत बस्तियां आबाद हैं। इब्राहिम हैदरी भी एक अहम और कदीम बस्ती जानी जाती है। यहाँ के मकामी न सिर्फ माहीगीरी से मुंसलिक हैं, बल्कि कश्तियां तैयार करने में भी महारत रखते हैं, जो कि माहीगीरों के रोजगार का एक अहम जरिया है। जमशेद अख्तर नाम है मेरा, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ साइज़ की कश्तियाँ बनती हैं यहाँ पे। ये बर्मा टिक की भी बनती हैं, चलगोजे की भी बनती हैं, मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। हमारे पास 18 फीट से लेके 45 फुट तक का साइज़ बनते हैं। कश्ती को बनाने के लिए पहले तर्क की ज़रूरत होती है, कश्ती के अंदर इसको पठान भी बोलते हैं। फिर इसके कांतरे खरीदे जाते हैं, जिसके आगे पीछे के स्टेरिंग होते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ साइज़ की लकड़ी है, जैसे बर्मा टीक होगी तो बर्मा टीक खरीदा जाता है, चलगोजा हो तो फिर चलगोजा खरीदा जाता है। फिर इसकी बाडी बनती है, बाडी बनने के बाद फिर इसके अंदर कीकर का काम होता है, जो मुख्तलिफ शहरों से आती है, पंजाब से भी आती है, सिंध में से भी आती है, कराची में भी अवेलेबल है। उसी हिसाब से इसको हम लोग ले बोलते हैं, ये जो लकड़ियाँ लगी हुई ये सारी ले है। उसके बाद इसका ऊपर का काम शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग अड्डे बोलते हैं, उसके ऊपर फिर यही चलगोजे की लकड़ी लगती है। कश्तियों में तकरीबन एक कश्ती में जो 30 फुट की होती है वो तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं, बड़ी जो होती है उसमें तकरीबन 5 से 6 महीने लग जाते हैं। इसमें तकरीबन 30 फुट की कश्ती में 5 से 6 आदमी का काम होता है, और काम इसमें मुख्तलिफ हिस्से हैं, हिस्से बहुत है इसमें। तकरीबन पहले तार का काम होता है, तार और मोरे का, फिर ऊपर लगता है चरगोजा, एक एक पाटिया करके लगा के ना उसका ऐसे फ्रेम बनाते हैं, फिर ऐसे काम चलता रहता है। कश्ती जब कंप्लीट होती है फिर इसका इंजन का लैन करने वाले आते हैं, वो अलग कारीगर होता है, वो जब कंप्लीट हो जाए फिर आते हैं कारपेंटर, वो कलर करने वाले। कलर का काम करते हैं बचपन से, ये कश्तियाँ जो है लाचे हैं और कमरे वगैरह सारे करते हैं काम। मतलब जो 45 फुट की है ना उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं। पेंटिंग भी करते हैं ना, मछली बनाओ, झींगा बनाओ, कोई भी अगर बोलेगा ना वो हम बना सकते हैं। जब ये हम लोग कश्ती तैयार कर लेते हैं, फिर नाखुदा जो इसको कश्ती को चलाता है वो इसको चूना चर्बी बोलते हैं उसको, जिसके अंदर सरसों का तेल होता है और मोम होती है, दोनों को मिक्स करके इसकी बाडी को लगाया जाता है। उसके हिसाब से ये फिर पानी में उतरती है, फिर जाल है, नाखुदा इसका जाल तैयार करता है, फिर ये बाहर जाती है। जैसे ही कश्ती पानी के अंदर उतरती है हमें बहुत खुशी होती है। That's amazing. और इतना खूबसूरत व्यू था भाई एंड पर। हाँ, लेकिन वही बात आ जाती है कि जहाँ पे आप कश्ती साजी की बात करते हैं, इधर से आप देखो कि वहाँ के जितने लोकल आर्टिसंस हैं, मेरा वहाँ के जितने लोकल्स हैं वो ऐसे क्रिएटिव काम में इंडल्ज्ड हैं कि हमारे मुल्क को भी रेवेन्यू आता है, एंड देन अगेन यू नो इट्स समथिंग व्हिच इज ग्रेट दे आर डूइंग फॉर द कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है। और वापस हम अपनी गेस्ट की तरफ आते हैं और अपने टॉपिक के हवाले से उनसे